देखो हमने क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो हमने क्या कर लिया उसमें, हमने क्या देख लिया था, घंस पढ़ ली थी कितनी, एक से लेके 15 तक ही घंस पढ़ ली थी। आयु को आपने याद कर ली होगी, उसके अंदर निकाले थे कौन से है पैदल के तरीके से ना। अब इस उसमें राष्ट्र क्वेश्चन था, उसमें क्या करना था, उतना करना था। इसमें क्या बोल रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें निम्न की संख्याओं को भाग देने पर भाग पर जो है एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। ऐसे ही उन्होंने क्या जो है सिक्स क्वेश्चन आपने की थी उसमें भी ऐसा कुछ था। उसमें क्या था, धन के लिए क्या था, पर अज्ञात था। तो क्या कर रहे थे आप उसमें, अभाज्य किए थे, गुणनखंड किए थे, क्या जो अपने जोड़े बन रहे थे वो ठीक है, जो अदर थे उससे क्या करते थे भाग देना था। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक है कितने आपका 81 है यानी 81। तो क्या करेंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितने में जाएगा 8 और 1 9 है यानी किसमें 3 में डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा 3 से जैसे डिवाइड देंगे तो कितना रहेगा, 3 दो 6 और 3 7 21 करके देख लेना। फिर 15 के बाद से जाएगा 3 में 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 1 3 यानी इसके अभाज्य गुणनखंड देखे लिखे तो 81 के अभाज्य जाएगा 8 आ जाएगा।
यहाँ पे आपके साथ पर डेढ़ प्रश्न आवली क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, अपने नेक्स्ट करेंगे वीडियो में नेक्स्ट करेंगे 7.2 करेंगे। उसमें क्या है, उसमें भी यही है, घनमूल निकालने हैं। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो अभी तक अपने करते आए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके okay?